हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स को ये जो क्विज़ दिया जाता है YouTube पर किसी गाने को सुनकर उस गाने का सा यानी उस गाने का स्केल पहचानना होता है और उस गाने में लगे हुए जो मेन स्वर्स हैं, जो मेन नोट्स हैं, उनको पहचानना होता है। किसी भी गाने का स्केल सही तरह पकड़ पाना ये अपने आप में एक खूबी है। मैं इन विद्यार्थियों को वो गाने के नोटेशन बिल्कुल नहीं पूछता, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो ठीक स्केल यानी उस गाने का सा पकड़ पाते हैं या नहीं और उस गाने में लगे हुए जो मेन नोट्स होते हैं, मेन स्वर होते हैं, वो समझ सकते हैं क्या नहीं। ये जब विद्यार्थी समझ पाने लगते हैं तब उनको गाना बजाना आसान हो जाता है। उनको नोटेशन लिख कर देने की ज़रूरत नहीं होती। ये स्टेज आ जानी चाहिए जब आप किसी नोटेशन पर डिपेंड नहीं रहोगे, आप गाने सुनकर अपने आप वो नोटेशन बना पाओगे। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो को आप देखिए जिसमें ये बहुत आसान तरीका समझाया गया है जिससे आप किसी भी गाने का सा या किसी भी गाने की पट्टी या स्केल ठीक तरह से पहचान पाओगे। हाय फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बॉबी पिक्चर का मैं शायर तो नहीं ये गाने का सा यानि स्केल और उसके मुख्य स्वर ढूंढने कहा था। तो ये है उस गाने का सा यानि स्केल और मुख्य स्वर। ये देखिए, मैंने कॉर्ड लगा दिया। ये कॉर्ड कैसे लगा है? इस गाने का स्केल ये है, सा यानि सफेद चार, एफ स्केल सा। ये ग कोमल मैं बजा रहा हूं और सा नी ध प। तो मैं ये कॉर्ड मैंने स्टार्ट कैसे किया? प सा और ग सा। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर रे हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको। अभी ये देखिए, यहाँ पे ये नी शुद्ध आ गया, यहाँ पे मुझको मुझको ये नी शुद्ध आ गया। शायरी आ गई। इस गाने का स्केल F स्केल माइनर यानी इसमें सा रे ग कोमल म प ध कोमल नी कोमल और सा, लेकिन कोई कई स्थानों पर ये नी शुद्ध ये भी लग रहा है। तो ये गाना है कैसा, सुनिए। इसका अंतरा कैसा है? Thank you.
ये इधर नी शुद्ध आ गया,